जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा MI A1 और MI A3 के ऊपर कुछ कंपैरिजन करूंगा डिस्प्ले का, साउंड्स का, और YouTube पे प्ले करके देखेंगे। एक्चुअली क्या इस वीडियो को फरमाइश किए थे जो मनोज दास नाम से जो भाई है हमारे, तो उन्होंने कॉमेंट्स किया था कि भाई मुझे ये MI A1 यूज करते हुए, यानी कि ये वाला फोन यूज करते हुए 2 साल हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ MI A3 लेने के लिए, बट अब क्या इस फोन को परचेस करना सही है? तो मुझे प्लीज दोनों में डाउट रह रहा है, जो साउंड्स और साथ में डिस्प्ले का, तो थोड़ा सा मुझे कंपेयर करके बताइए ताकि मैं फोन परचेज कर सकूं। अगर फिलहाल ये जो है एक टेस्ट वीडियो है, मैंने कुछ टेस्ट वीडियो को इसके अंदर प्ले किया हूँ, 4K वीडियो, और YouTube पे जाके प्ले किए हैं और कुछ म्यूजिक सेट किए हैं, तो आप लोग को देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना और ऑल ऑप्शन जरूर दबाना, ताकि क्या होना, जब भी हम वीडियो बनाएं या वीडियो अपलोड करें तो आपका घंटा बच जाए। दोनों का ब्राइटनेस जो है मैंने 100% कर रखा हूँ, यहाँ पे दोनों का ब्राइटनेस 100% है। अब चलते हैं, मैंने टेस्ट करूंगा यहाँ पे MX प्लेयर, यूट्यूब ऑन फाइल, फाइल के अंदर म्यूजिक टेस्ट करेंगे, यूट्यूब से कुछ वीडियो प्ले करके देखेंगे। इसका 1080p है MI A1 का, 720p है MI A3 का। इसमें AMOLED डिस्प्ले है, इसमें HD+ फुल स्क्रीन HD डिस्प्ले है। तो देखते हैं दोनों में क्या ठीक ठाक सा है, क्या आपको पहले जैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बातें तो YouTube पे होता रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि इसके अंदर डिस्प्ले के डिटेल्स है। आज तक मुझे इस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं आया, बाकी अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं। आइए सबसे पहले हम MX प्लेयर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे दोनों फाइल मेरे पास है। एक तो है जो कि सोनी 4K डेमो है, एक और भी एक डेमो है, दोनों का मैंने टास्ट चेक करके देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, ध्यान देना दोनों को। तो आप शुरुआती में आप देख रहे होंगे कलर किस में फर्क पड़ रहा है, ये में 1080p है, 720p है। अब दोनों में फर्क किसका आ रहा है तो आप ही लोग कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैंने इतना टाइम यूज किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप यहां से चेक कर सकते हो MI A3 और MI A1 में डिटेल्स लेके आता है, काफी बढ़िया और रनिंग में है। और थोड़ा सा भी आप नजदीक जब आप रियल में यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, थोड़ा बहुत तो इतना चलता है, क्योंकि जब आपको कुछ फैसिलिटीज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, इसमें बैटरी आपको एक्सेस मिलता है, 4030 mAh की बैटरी मिलता है, कैमरा फैसिलिटी भी अच्छा मिलता है आपको, 18 वाट की जो कि चार्जिंग स्पीड मिलता है, और क्या चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, स्टॉक एंड्रॉइड है, प्योर एंड्रॉइड, जबकि ठीक ठाक सा लग रहा है। दोनों में कलर सेचुरेशन में देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा उभर के आ रहा है, और यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ थोड़ा सा जैसे व्हाइटनेस जैसा लग रहा है, इसका पूरा एक्यूरेट कलर उठा रहा है, दोनों में आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल पुराना फोन है, अभी रिसेंटली जो फोन आया है इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मुझे तो काफी इंप्रेस किया है कि दोनों में फुल स्क्रीन है, दोनों में मैंने ब्राउजर को ब्राइटनेस बढ़ाया हूँ, यानी कि जो अपने MX प्लेयर का, दोनों का ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप दोनों में फर्क देख पा रहे होंगे, नेचुरल कलर दोनों में फर्क है, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे को डाउन लग रहा है, हल्का सा व्हाइटनेस दिखा रहा है, ये जो है एक्यूरेट उठा रहा है MI A3, MI A1 में थोड़ा सा डाउन लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे येलो कलर जो शो कर रहा है, साथ में बारिश भी हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया जा रहा है। अब यहाँ पे वाटर डिटेल्स का भी आप देख सकते हो कितना बारीकी से वो चीजें क्लियर करता है, जो कि 4K वीडियो जो इसके अंदर रन होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम यूट्यूब के, दोनों का हम यहाँ पे लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो YouTube पे जो रन कर रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको चेक कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 480p चल रहा है, मैं इसको बढ़ाता हूँ
लेटेस्ट जो है 720p कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आप गूगल क्रोम के थ्रू, आप अगर 1080p में देखना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का जो मैंने साइज है 720p, इसका भी 720p दोनों को रख दिया। अब यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, आपको फर्क पड़ रहा है ना 720p का क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं 1080p करता हूँ, आप इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आप मेरे को बताना। कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कुछ फर्क पड़ने वाला है। बल्कि मैं अगर रियल में देखना चाहता हूं, यहां पे जो सी का जो वाटर का व्यू एक्यूरेट कलर उठा रहा है, जबकि यहां थोड़ा सा धुंधला पड़ रहा है, जबकि ये 720p है और यहां पे 1080p है। यहां पे दोबारा मैं चेक करा देता हूं, देखिए प्ले हो रहा है क्वालिटी, और यहां पे आप प्ले हो रहा है वीडियो क्वालिटी 720p। ठीक है, दोनों को मैं जूम करके दिखा रहा हूं। चलो तो यहां पे आपको सिर्फ एक दिमाग में बहम भरा पड़ा है कि लोगों का कि इसके अंदर यार कुछ फर्क है, लेकिन इतना नहीं है, माइनर सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। अगर आपको मन करता है हाँ कभी 1080p का वीडियो देखना है तो आप गूगल क्रोम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम के थ्रू यूट्यूब चलाइए, उस पर 1080p चल सकता है। मैंने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ। तो डिस्प्ले में मुझे इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप फुल स्क्रीन HD जो डिस्प्ले है और साथ में सुपर AMOLED डिस्प्ले है, तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक है और ये बढ़िया है आई प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पर दोनों का साउंड्स का टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको पूरा डिटेल्स में चाहिए तो मुझे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे सारे कंपेयर करूंगा। बट अभी के लिए इतना ही यार, जो अभी साउंड का कर देते हैं, ताकि आपको डिस्प्ले हो गया, साउंड हो गया, और यूट्यूब से भी आप रन करके देख लीजिए जो आपको मन में डाउट था, ये काफ़ी बढ़िया रहा। तो यहाँ पर साउंड का देख लेते हैं, साउंड का एक बार फुल वॉल्यूम कर लेते हैं। दोनों का फुल वॉल्यूम कर लिया, लाउड में बता रहा हूँ, यहाँ पर दोनों का सेम म्यूजिक लिया हूँ। दोस्तों साउंड के मामला में 19-20 का है ऑफर, हो सकता है इसके अंदर जो आगे आने वाले टाइम में अपडेट आ रहा है तो इसके अंदर लाउडनेस और अच्छा कर दे, लेकिन ठीक ठाक से मुझे लगा। आप अगर दोनों को कंपेयर करते रहोगे थोड़ा सा, यानी कि ये 20 रहेगा या 19 रहेगा, 19-20 फर्क रहेगा। मैं A1 में लाउडनेस जो बाहर का म्यूजिक, अब बाहर और लाउड में इतना म्यूजिक कौन सुनता है, तो बाकी आप देख लीजिए कौन सा ठीक लगा कौन नहीं, तो मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप का कंप्लीट वीडियो चाहिए और इस टाइप का कंपैरिजन वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बस ये था आज का वीडियो, वीडियो को फटाफट शेयर कर देना अगर देख लिए, लाइक तो जरूर कर ही देना। बस मैं मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।